अब इन दोनों को मैंने ऑपरेशन किया है, इनको भी और इनको भी। अभी तक तो क्या था, दूसरों ने ऑपरेशन किया है और अब मैंने ऑपरेशन किया है। अब जब मैंने ऑपरेशन किया है तब भी पेशेंट को इतना समझाने के बाद भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में ये इसकी उंगली है। और ये चोट कितने टाइम पहले लगी थी, कैसे लगी थी इसको? ये 3 जून को गिर गया था। 3 जून को गिर गया था, टांका मार दिया गया था और इसको बताया गया था एक्सरसाइज करो। फिर हमने कहा ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन में इसकी सारी नसें कटी हुई थी हमने, और वो काफ़ी दूर दूर जा चुकी थी। हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, यहाँ से नस लेकर उनको ग्राफ्ट किया और बीच में जो गैप था उसको फिल किया। इतना बड़ा ऑपरेशन कर इतना सा भी घाव कहीं बचा नहीं, पूरा का पूरा स्किन प्राइमरी इमिडिएटली हीलिंग हुई है और उंगली भी बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है दूसरे से हाथ करने में। Day 1 से सर, अगर आप इनके पापा हो तो मैंने इनको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका इसको? हमेशा इसको कहा है कि काम करना है, इसको पकड़ना है। लेकिन फैमिली क्या सोचती है, नहीं 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 डॉक्टर जल्दबाजी कर रहा है, अभी इसको पकड़ के रखो, अभी इसको नहीं हिलाना है, इसको धुलाना नहीं है। ये इसका मैं मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के बाद ही पूरा हाथ धुलवा रहा था मैं इसका। हाँ, और कह रहा था मोड़ना स्टार्ट कर दो, पूरा ऐसे मोड़ने के लिए बोला था मैंने। ये फ़ायदा है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन ही हम चेक कर लेते हैं कि हम इस उंगली को पूरा स्ट्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस नस पे कितना जोर पड़ता है, स्किन की जो कंडीशन है वो कैसी है और एक्सरसाइज करने से ख़राब होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें ऐसे माइक्रो सर्जन जो डम डेली करते हैं हमें पता होता है, लेकिन पेशेंट को क्या होता है कि कितना ही समझा लो वो किसी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर वो चीज़ नहीं करा पाता। क्योंकि जो आदमी होता है जो हमारे साथ मिलने आता है उसको तो हम बता देते हैं लेकिन वो तो जॉब पर चला जाता है, लेकिन घर पर जो लेडीज़ होती हैं उनके बस का नहीं है। फिर वो कहते हैं सर आपने फिजियोथेरेपी नहीं बताई, हमने इसलिए नहीं है वो नहीं है। फिजियोथेरेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी वाला तो खुद की एक्सरसाइज कर रहा है, तुम्हारी क्या एक्सरसाइज करे। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज सिर्फ इतनी है कि वो आपके साथ बैठ कर आपकी हेल्प करे, लेकिन वही एक्सरसाइज करे ये नहीं है। एक्सरसाइज तो आपको खुद को ही करनी है, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग एंड है जो एक टेक्निकली आपको चीज़ें हेल्प कर सकता है बस। तो मैंने इनको बता रखा है, 7-8 महीने का टाइम दिया है और जो जितनी आज कंडीशन है मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के। ये देखो मुड़ रही है, इतनी पावर है, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रही। तो टच कर ले पावर, करेक्ट टच, कितनी पावर है, इतनी स्ट्रांगेस्ट पावर इस उंगली में नहीं होगी। मुड़ इसको, ये देखो इस दोनों को टच कर, दोनों में किसकी पावर ज़्यादा है, दोनों की पावर अच्छी है कि नहीं? दोनों इसकी ज़्यादा ही लगी मुझे। जिसको हमने रिपेयर किया उसकी इतनी पावर है कि सोच नहीं सकते, लेकिन वो आपस में यहाँ पे अगर ये इसकी मसाज नहीं करेंगे, इसका हैवी वेट नहीं उठाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो उंगली ऐसी रह जाएगी। क्योंकि जो जिस चीज़ को पावर से ही ला सकते हैं वो पावर से ही ला सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं होगा। ब्रेन से इसको बोलना है, इसको ऐसे लाना है पूरा, समझ गए? तो हमने ऑपरेशन किया है, 6-8 महीने में अगर ये नहीं होगा ठीक तो हम दोबारा ऑपरेशन करके इसको टाइट कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खुद मोड़े इसको और एक्सरसाइज करे। लेकिन अगर वो नहीं करेगा, बच्चों के लिए मुश्किल रहती है एक्सरसाइज कराना, क्योंकि बच्चे को अपनी बॉडी के अपीरियंस का नहीं पता, उनके लिए तो बस ये है कि मम्मी ज़बरदस्ती क्यों ये करवा रही हैं। लेकिन जब हम एडल्ट बड़े हो चुके होते हैं तब हमें बॉडी का अपना एक एक पार्ट को देखने में बनता दिखता है, छोटे बच्चों को फीलिंग नहीं होती हो, इसलिए छोटे बच्चों का जो रिज़ल्ट होता है वो उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं उनको बोलता हूँ और मेरे को लगता है अच्छा होगा, लेकिन इस बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है, बच्चे तेरी बॉडी है, मम्मी पापा तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, अगर तूने नहीं किया इसको यूज़ को और हाथ को ऐसे ऐसे जंप नहीं किया, क्लाइंब नहीं किया, पकड़ा नहीं, कुछ नहीं किया तो ये हाथ ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि तुझे ही क्लाइंब करना है, तुझे ही वेट उठाना है, तुझे ही झूला खेलना है, तुझे ही स्पोर्ट करना है, तुझे ही क्रिकेट खेलना है, चीज़ों को पूरा पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ो तो नहीं आएगा। अब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जब 8-9 महीने हो जाएंगे इसको, लेट्स सी इसके उसमें ये बनाऊंगा कि इतना मोटा हो गया और तब जाके ऐसा ठीक हुआ है, तो घर वालों को क्या लगेगा, खाना खिलाने के कारण हुआ कि खाना खिलाने के कारण नहीं हुआ है ये एक्सरसाइज, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा और करेगा तो 100%।